बीच में पड़ी रही पटरियों में, जंगल के बीच में कोई नहीं था, कीड़े चाट रहे थे उसके पाओ को कटे हुए, चूहे खा रहे थे उसकी स्किन और हड्डियों को, कोई नहीं आया। सुबह हुई, दिल्ली अस्पताल में लेके आ गया उसको, और वहां पे आने के बाद जब उसको पता चला मल्टीपल फ्रैक्चर उसकी पीठ में आ गए, पाँव खत्म हो चुका है, सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गई है, प्रोस्ट्रेटेड लेग्स के साथ उसको चलना पड़ेगा। वहां बैठ के क्या बोली, अगर भगवान तूने मुझे बचाया तो जरूर इतिहास रचने के लिए, अब तो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी, अब मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। बछेंद्रीय पाल के पास गई, बछेंद्रीय पाल ने क्या कहा, तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए सोच लिया, तू तो एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी है, अब तो दुनिया को तारीख पता लगना बाकी रह गया है। और जानते हैं एक एक करके न केवल उसने माउंट एवरेस्ट बल्कि सातों पीक दुनिया की पार कर ली। आज एनडीए गवर्नमेंट में उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। साहब आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है, अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया।